सनसनी ऑफ इंडिया। बंदूक की नोक पर सुनार की दुकान में दिन दहाड़े डकैती डालने वाले 5 बदमाशों को आउटर डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने मात्र 48 घंटे के अंदर दबोच लिया है। पुलिस को चकमा देने के लिए बदमाशों ने चेहरों पर मास्क व स्कूटियों की असली नंबर प्लेट हटाकर बिना नंबर की प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन वारदात में इस्तेमाल स्कूटियों पर बिना नंबर की प्लेट लगाते समय बदमाश एक ऐसी गलती कर बैठे जिसकी मदद से आउटर डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने मात्र 4 घंटे के अंदर आरोपियों की पहचान कर ली थी और 24 घंटे के अंदर सभी को दबोच कर सलाखों के पीछे डाल दिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान 26 वर्षीय नितेश, 26 वर्षीय परमजीत उर्फ पाटा, 22 वर्षीय अभिषेक उर्फ अभी, 24 वर्षीय रौनक व 23 वर्षीय रजत के रूप में हुई है। सभी बदमाश वाल्मीकि मोहल्ला, झज्जर रोड, सांपला, रोहतक, हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 देशी पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 2 स्कूटी, 258.500 ग्राम सोने के आभूषण, 110 ग्राम वजन के चांदी के आभूषण व 28,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। हर रोज की तरह दिनांक 4 अप्रैल 2023 को भी नांगलोई विलेज के अहीर मोहल्ला में ओम प्रकाश एंड सन्स ज्वेलर्स की शॉप खुली हुई थी और ग्राहक आ जा रहे थे। दोपहर 1:30 बजे के आसपास जब दुकानदार वी के वर्मा कुछ महिला ग्राहकों को अटेंड कर रहे थे, तभी मास्क पहने कुछ हथियार बंद बदमाश दुकान में घुस आए। एक बदमाश बंदूक लेकर दुकान के गेट पर खड़ा हो गया और 3 बदमाश हथियार लहराते हुए दुकान में मौजूद दुकानदार और ग्राहकों को धमकाकर लूटपाट करने लगे। बदमाशों ने दहशत पैदा करने के लिए दुकान मालिक वी के वर्मा को जोरदार धक्का मारकर साइड गिरा दिया और दुकान के अंदर से लाखों रुपए के गहने व नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने मात्र 2 मिनट के अंदर पूरी वारदात को अंजाम दे डाला था। कस्टमर अटेंड कर रहे थे, हम सबको सामान दिखा रहे थे, 4 आई, सबके पास वेपन थे, उन्होंने पिस्टल लगाई हमारे सबको और सारा सामान जितना भी दिखा रहे थे और अलमारी में रहा वो सारा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर थाना नांगलोई में FIR संख्या 292/23, धारा 392, 397/34 व 2554/59 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात को जल्द से जल्द सुलझाने और आरोपियों को दबोचने के लिए हरेंद्र सिंह DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट ने यह मामला आउटर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ को सौंप दिया। हरेंद्र सिंह DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट ने अरुण कुमार, ACP ऑपरेशंस की सुपरविजन व इंस्पेक्टर परवीन कुमार इंचार्ज स्पेशल स्टाफ आउटर डिस्ट्रिक्ट के नेतृत्व में SI प्रदीप कुमार, ASI मनोज कुमार, राज कुमार, हेड कांस्टेबल नवीन, नेमी चंद, सुनील कुमार, दिनेश कुमार, अमित कुमार, विकास कांस्टेबल नित्तू व साहिल की एक ट्रेक टीम का गठन किया। टास्क मिलते ही इंस्पेक्टर परवीन कुमार ने क्रिमिनलों को ट्रैक करने के लिए टीम के हर मेंबर को स्पेसिफिक टास्क सौंपा। SI प्रदीप कुमार ने सबसे पहले पीड़ित वी के वर्मा के कर्मचारियों और दोस्तों से पूछताछ की तो कोई संदेह वाली बात नहीं मिली। एक टीम क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही थी तो दूसरी टीम वारदात के समय क्राइम सीन के आसपास एक्टिव सभी मोबाइल नंबरों को स्कैन करने में लगी हुई थी, लेकिन क्राइम सीन से मिले मोबाइल डैम्प डाटा से कोई सुराग नहीं मिला था। इंस्पेक्टर परवीन कुमार की टीम ने एक रणनीति तैयार करके अहीर मोहल्ला की हर गली, दुकान, कॉर्नर्स व मल्टीपल टर्न्स पर लगे CCTV फुटेज खंगाले तो 2 स्कूटियों पर 4 सस्पेक्ट लड़के दिखाए तो दिए, लेकिन मास्क पहने होने की वजह से संदिग्धों की पहचान नहीं हो पा रही थी। स्कूटियों पर भी ब्लैंक नंबर प्लेट लगी हुई थी। इंस्पेक्टर परवीन कुमार ने मास्क पहने चारों संदिग्धों की फोटो मुखबिरों व आसपास के थानों ने सर्कुलेट कर दी। साथ ही संदिग्धों की कदकाठी के हिसाब से क्रिमिनल डाटा में स्कैन किया, लेकिन इतना कुछ करने बाद भी टीम के हाथ खाली थे। अब तक की जांच और क्रिमिनलों की क्राइम करने की मोडस ऑपरेंडी से इंस्पेक्टर परवीन कुमार को समझते देर नहीं लगी कि वारदात को अंजाम बाहर के बदमाशों ने दिया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था टीम के ऊपर पब्लिक का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इंस्पेक्टर परवीन कुमार की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों की पहचान करने के लिए क्राइम सीन से मिले CCTV फुटेजों को इस उम्मीद से बार बार चेक कर रही थी कि शायद कोई क्लू मिल जाए। क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन अपने पीछे कोई न कोई सुराग छोड़ ही देता है। इंस्पेक्टर परवीन कुमार की टीम क्राइम सीन से मिले CCTV फुटेज को बारीकी से स्कैन कर रही थी। पुलिस को चकमा देने के लिए बदमाशों ने वारदात में इस्तेमाल स्कूटियों पर नंबर प्लेट तो ब्लैंक लगा रखी थी, लेकिन इसी ब्लैंक नंबर प्लेट से टीम को पहला सुराग हाथ लगा। टीम ने स्कूटी पर लगी ब्लैंक नंबर प्लेट को टेक्निकल इक्विपमेंट की मदद से जूम किया तो ब्लैंक नंबर प्लेट पर रेहान TVS लिखा दिखाई दिया। प्लेट को और जूम किया तो मेन झज्जर रोड, सांपला, हरियाणा लिखा दिखाई दिया। जांच में वारदात के बाद बदमाशों के भागने का रूट भी हरियाणा ही था और अब ब्लैंक नंबर प्लेट भी हरियाणा के सांपला इलाके की ओर इशारा कर रही थी। इंस्पेक्टर परवीन कुमार को समझते देर नहीं लगी कि हरियाणा के सांपला विलेज से बदमाशों का कोई न कोई ताल्लुक जरूर है।
सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न सांपला इलाके को टटोला जाए। टीम ने सांपला इलाके में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। टीम की मेहनत रंग लाए। वारदात को अंजाम देने वाले सभी बदमाश सांपला विलेज के निकले। आरोपियों की पहचान होते ही टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपियों के मोबाइल नंबर भी खोज लिए। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से टीम ने आरोपियों के मोबाइल लोकेशन पर छापेमारी की, लेकिन सक्रिय और आड़ी तिरछी गलियां होने की वजह से आरोपियों को पुलिस के बारे में भनक लग गई। पुलिस टीम दोबारा से उन तक न पहुंच सके, इसके लिए आरोपियों ने अपने अपने मोबाइल फोन तोड़कर नहर में फेंक दिए। टीम को मुखबिरों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि वारदात में शामिल तीन बदमाश टिकरी बॉर्डर होते हुए इलाका छोड़कर भागने की फिराक में हैं। टीम ने टिकरी बॉर्डर पर जाल बिछा दिया। कुछ देर बाद टिकरी बॉर्डर से पीरा गड़ी की ओर एक स्कूटी पर तीन व्यक्ति आते दिखे। पुलिस टीम ने स्कूटी को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने काफी दूर तक स्कूटी का पीछा किया और स्कूटी सवार तीनों सस्पेक्ट लोगों को दबोच लिया। पूछताछ में सस्पेक्ट लोगों की पहचान नितेश परमजीत उर्फ पाटा व अभिषेक उर्फ अभी के रूप में हुई। सस्पेक्ट परमजीत उर्फ पाटा की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके कब्जे से ओम प्रकाश ज्वेलर्स के निशान वाला एक छोटा हैंडपस सहित एक जिंदा कारतूस व लोडेड एक देसी पिस्तौल बरामद हुआ। हैंडपस की जांच करने पर टीम को नांगलोई ज्वेलरी शॉप से लूटे गए 258.500 ग्राम सोने के आभूषण मिले। दूसरे सस्पेक्ट अभिषेक उर्फ अभी की तलाशी में टीम को एक जिंदा कारतूस से लोडेड एक देसी पिस्तौल व 110 ग्राम चांदी का सामान बरामद हुआ। तीसरे सस्पेक्ट नितेश की तलाशी में टीम को तीन जिंदा कारतूस सहित ज्वेलरी शॉप से लूट की रकम में से 28,000 रुपए बरामद हुए। आरोपियों के पास से बरामद में इस्तेमाल की गई टीवीएस एंटूर नंबर HR95 7512 स्कूटी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोपी नितेश की निशानदेही पर मुख्य रोहतक रोड टिकरी बॉर्डर से अपराध में इस्तेमाल की गई एक और स्कूटी बरामद की गई। गिरफ्तार तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने दो और आरोपी व्यक्तियों रौनक व रजत को भी दबोच लिया। आरोपी रौनक के कब्जे से एक जिंदा कारतूस व एक देसी कट्टा और रजत के कब्जे से एक देसी पिस्टल के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी परमजीत उर्फ पाटा ने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगी रौनक रजत और बल्लू उर्फ बबलू के साथ मिलकर आभूषण की दुकान को लूटने की साजिश रची थी। आरोपी रजत नांगलोई इलाके में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता है। ओम प्रकाश ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारबंद गार्ड नहीं था और दुकान भी गली के अंदर थी। इसका फायदा उठाकर आरोपियों ने दुकान को लूटने की योजना बनाई। आरोपी रजत और बबलू ने वारदात को अंजाम देने के लिए दो देशी पिस्टल और एक रिवॉल्वर का इंतजाम किया। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने स्कूटी से असली नंबर प्लेट हटाकर ब्लैंक प्लेट लगा ली थी, लेकिन ब्लैंक प्लेट से शोरूम का स्टिकर हटाना भूल गए थे। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान 26 वर्षीय नितेश पुत्र हवा सिंह, 26 वर्षीय परमजीत उर्फ पाटा पुत्र सुभाष, 22 वर्षीय अभिषेक उर्फ अभी पुत्र मुकेश, 24 वर्षीय रौनक पुत्र देवेंद्र व 23 वर्षीय रजत पुत्र सिद्धार्थ के रूप में हुई है। सभी बदमाश वाल्मीकि मोहल्ला झज्जर रोड सांपला रोहतक हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 2 स्कूटी, 258.500 ग्राम सोने के आभूषण, 110 ग्राम वजन के चांदी के आभूषण व 28,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी परमजीत उर्फ पाटा डकैती और चोरी के एक मामले में पहले से शामिल है। आरोपी नितेश ने वर्ष 2018 में अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर थाना शाहबाद डायरी इलाके में ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पांचों आरोपी कोर्ट से जमानत पर चल रहे हैं। आरोपी रौनक हरियाणा में आर्म्स एक्ट के पिछले दो मामलों में शामिल है व आरोपी रजत भी हरियाणा में आर्म्स एक्ट के दो मामलों में शामिल है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज
रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।